सराउंडिंग में बहुत सारी सोर्सेस ऑफ लाइट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, बल्ब हो गया, स्टार्स हो गया, टॉर्च, लैम्प, फायर, तो ये सब कुछ सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो जितनी भी सोर्सेस ऑफ लाइट है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। तो हम वन बाय वन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो प्राइमरी सोर्सेस आर द सोर्सेस दैट एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्राइमरी सोर्सेस मतलब ऐसी सोर्स ऑफ लाइट जो खुद से लाइट एमिट करती है, और खुद से लाइट एमिट करने का तीन रीजन होता है। सबसे पहला रीजन क्या है? ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स है सन, स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फ्लेम्स ऑफ एनी काइंड। तो कुछ ऑब्जेक्ट खुद से लाइट एमिट करते हैं, किसकी वजह से? जब उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है या उनका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सन, सन जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से कर रहा है, स्टार्स जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो भी हाई टेम्परेचर की वजह से कर रहे हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप हीट करोगे तो वो भी क्या होगा, एल्यूमिनेट होगा, लाइट एमिट करने लगेगा, फ्लेम जो होता है उसमें से भी लाइट एमिट होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर। तो ये जो सोर्सेस है, स्टार्स हो गया, सन हो गया, फ्लेम हो गया, ये सब खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं, और ये किसकी वजह से? ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर। तो ये हो जाता है प्राइमरी सोर्सेस, सोर्सेस खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं। सेकंड रीजन है द इफेक्ट ऑफ करंट बीन पास थ्रू देम। एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबलाइट, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कोई घर में जो बल्ब होता है, जो ट्यूबलाइट होता है, जो टीवी होता है, मोबाइल फोन का स्क्रीन है, ये लाइट एमिट कब करता है? जब उसमें से करंट पास होता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्सेस, लाइट बल्ब्स आर द प्राइमरी सोर्सेस। उसके बाद जो थर्ड रीजन है वो है केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस। एग्जांपल्स फायर क्रैकर्स, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर्स। तो ये किसकी वजह से? फायर क्रैकर्स में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट एमिट हो रही है, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियर जनरेटर्स में लाइट एमिट होती है। तो ये तीन रीजंस होते हैं सोर्सेस खुद से लाइट एमिट करती है, और ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी सोर्सेस में आते हैं। अब उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी सोर्सेस मतलब सोर्सेस इन विच लाइट डू नॉट प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड इट। तो अब ये खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ये प्राइमरी सोर्स से लाइट ले रहा है और उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या स्कैटर्ड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मून, अदर प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स, विच वी सी ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो सबको पता है मून जो है ये इसके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये जो लाइट एमिट कर रही है इसको कहाँ से मिलती है? सन से। तो मून इज अ सेकेंडरी सोर्स। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स है, दूसरे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते बट एक सोर्स से लाइट जब उनपे इंसिडेंट होती है तो वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये लाइट के रिफ्लेक्शन होता है तभी हम वो चीज को देख पाते हैं। हम अंधेरे में एक सेब रखेंगे, कंप्लीटली डार्कनेस है तो हमको सेब दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं है जिसको ये सेब रिफ्लेक्ट कर पाए। बट अगर हम लाइट में रखते हैं ये सेब को, तो ये जो सोर्स से लाइट आ रही है, प्राइमरी सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है, एंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। तो हम बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ द सोर्सेस दैट वी सी इन अवर डेली लाइफ आर सेकेंडरी सोर्सेस। आप अपनी सराउंडिंग स्पेस में एक टेबल है वो देखते हो, बुक्स है वो देखते हो, राइट, आपके चाय का कप है वो देख रहे हो आप, तो ये खुद से लाइट नहीं एमिट करते। ये क्या? ट्यूबलाइट या आपके घर में जो भी सोर्सेस ऑफ लाइट है वहां से लाइट एमिट हो रही है और हमको वो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं।
सोफा है, बेड है, ये सब सेकेंडरी सोर्सेस है। सेकेंडरी सोर्सेस प्राइमरी सोर्सेस से लाइट लेंगे और उनको रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड करेंगे। अब इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए आपको पहले ये रिपल इफेक्ट समझना होगा। तालाब के किनारे खड़े हो और वो तालाब में आप क्या करते हो, पत्थर फेंकते हो। पानी में जो वेव्स बनती है वो कैसे, ऐसे सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल क्या होते जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा। तो इसी को हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो सिमिलरली एक सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वो भी कुछ ऐसे ही एमिट होती है। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक सोर्स से क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है और ये भी सर्कल के फॉर्म में क्या होते जा रही है, स्प्रेड होते जा रही है। तो इसको, ये जो सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं, ये सर्कल्स को ही हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वेव फ्रंट क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉइंट सोर्स ले लेते हैं और ये पॉइंट सोर्स को क्या किया, आप ऑन कर दिए। सपोज पॉइंट सोर्स मतलब एक बल्ब ले लिए, सर्कुलर बल्ब को आप ऑन करते हो तो ये अपने हर डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। अब ये जो लाइट एमिट करने वाला है हर डायरेक्शन में, यहाँ पे आप रेड एरो से देख सकते हो, ये रे ऑफ लाइट है। रेड एरो क्या है, आपकी रे ऑफ लाइट है जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब ये जो स्पीड से ट्रैवल करेगी हर डायरेक्शन में, ये सेम स्पीड से ट्रैवल करने वाली है। और डिस्टेंस जो भी कवर करेगा, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है ये क्या कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर की, जैसे ही आप सोर्स ऑन किए ये लाइट 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर की और ये डिस्टेंस कुछ यहाँ पे ले आई। तो ये जो लाइट है, ये जो सेकंड रे है, ये भी क्या करने वाली है, उतने ही टाइम में 5 सेकंड में ये भी हो सकता है उतना ही डिस्टेंस कवर करे। ये जो थर्ड रे ऑफ लाइट देख रहे हो 5 सेकंड में, ये भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। ऐसे ही सिमिलरली हर रे ऑफ लाइट सेम डिस्टेंस कवर करने वाली है। मतलब ये यहां से अगर 5 सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस कवर की है तो ये रे ऑफ लाइट भी 5 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करने वाली है। उसके बाजू में थर्ड रे ऑफ लाइट भी 5 सेकंड में उतना है, फोर्थ वाली भी 5 सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस। तो ये रे हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है और अगर वो एक डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर की है एक पर्टिकुलर टाइम में, हम सपोज कर रहे हैं कि ये रे 5 सेकंड तक ट्रेवल की और कुछ डिस्टेंस कवर की, तो इसके बाजू वाली रे भी 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, इसके बाजू वाली रे भी 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करने। तो हर रे क्या करने वाली है, 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करने वाली है। और ये सब पॉइंट्स को क्या करोगे, आप मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो ये सर्कल को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब कंसीडर करते हैं सोर्स से निकल के ये आगे वाले स्फीयर तक, जो लास्ट सबसे बड़ा स्फीयर दिख रहा है या सबसे बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, यहां तक पहुंचने फर्स्ट वेव को 20 सेकंड लगा। यहां से एक वेव ट्रैवल की, एक क्रस्ट बना, एक ट्रफ बना और इसको कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। तो सेकंड वेव भी क्या करेगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ ही बनाएगी और वो भी सेम डिस्टेंस कवर करने वाली है सेम टाइम में। थर्ड वेव भी क्या करेगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ ही बनाने वाली है और वो भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी जितना सेकंड और जितना फर्स्ट वेव। ऐसी अगर ये फोर्थ वेव है तो उसको भी लास्ट सर्कल तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगा है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाएगी। उसके बाद वाली वेव भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये वेव भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाने वाली है। तो हर वेव क्या करने वाली है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ में ये डिस्टेंस कवर किए है और ये सोर्स से ये सब का डिस्टेंस सेम रहने वाला है। फर्स्ट वेव का भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, सेकंड वेव का भी डिस्टेंस, थर्ड वेव का भी, फोर्थ का भी, और हर वेव का डिस्टेंस क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। और ये सब पॉइंट्स को
जब आप मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, और यही सर्कल को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेवलेट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। एक ऐसा पॉइंट जहां पे फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट सोर्स से निकली सबसे बड़े सर्कल पे, उसको ये पॉइंट पे पहुंचने 20 सेकंड लगा, और 20 सेकंड में ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ बना। यहाँ पे सेकंड रे भी जब ये बड़े सर्कल के पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये भी कितना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाती है। थर्ड रे ऑफ लाइट जो है वो भी लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लास्ट सर्कल पे पहुंचने के लिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाती है। फोर्थ रे भी क्या करती है, लास्ट पॉइंट पे, सर जो लास्ट सबसे बड़ा सर्कल है उसके पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ बना। सबका डिस्टेंस सेम है, सबका फेज भी सेम रहेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट 20 सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ से भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ आगे जाएगा, यहाँ से भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ से भी आगे एक क्रस्ट और एक ट्रफ जाने वाला है। तो फेज ऑफ ऑसिलेशन हर पार्टिकल का सेम रहने वाला है। अगर वेव यहाँ से ट्रेवल करते हुए गई है और आप सबसे छोटे सर्कल पे पॉइंट्स ले लेते हो, आप देख सकते हो कि पिंक पॉइंट्स जो है वो वेवलेट है, तो ये जो सबसे छोटा सर्कल है उसका पॉइंट, फिर वेव क्या हुई, आगे ट्रेवल करते हुए सबसे बड़े सर्कल तक गई, बट जब वो फर्स्ट पॉइंट को क्रॉस, फर्स्ट सर्कल को क्रॉस की, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट होने स्टार्ट हुआ, और ये छोटा वाला सर्कल का, जो सबसे स्मॉल सर्कल है, उसका पार्टिकल 4 टाइम्स ऑसिलेट हुआ है। तो ये सर्कल पे आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो, हर पॉइंट, हर पार्टिकल 4 बार ही ऑसिलेट हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम है, सोर्स से वो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो हम बोलेंगे वो सब पॉइंट्स का फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम है। तो अगर आप ये ब्लू सर्कल पे जो पिंक डॉट्स देख रहे हो, एक ही सर्कल पे जो पिंक डॉट है सबका फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम है। वेव ट्रेवल करते जाएगी, पार्टिकल वाइब्रेट होते जाएंगे। अगर सबसे छोटे वाले सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हो और वो पॉइंट या वो पार्टिकल 4 बार वाइब्रेट हुए, तो वो सर्कल पे जितने भी पार्टिकल है वो 4 बार वाइब्रेट हुए, वेव हर डायरेक्शन में क्या हुई है, वहां से स्प्रेड होते हुए गई है, और जो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है सबका फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा। ये जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हो, ये ब्लू सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे। अब ये जो वेव फ्रंट है, ये सर्कल है, एक सबसे बड़ा वाला सर्कल ले लेते हैं, अगर इसका एक छोटा सी पोर्शन हम लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल, और ये जो रे ऑफ लाइट देख रहे हो रेड वाली, ये दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये जो रे ऑफ लाइट है और ये जो वेव फ्रंट है दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर हम वेव फ्रंट लेते हैं, छोटा सी पार्ट लेते हैं सर्कल का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये जो रे ऑफ लाइट है रेड वाली रे ऑफ लाइट, वो ये सर्कल के छोटे स्मॉल पार्ट पे, स्मॉल पोर्शन पे परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, इसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू सर्कल पे आप पिंक डॉट्स देख रहे हो, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे पॉइंट्स है, उनको हम वेवलेट्स बोलते हैं। अ वेवलेट्स इज द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या हो रही है, सोर्स से निकल के ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेट हो रही है, और वो क्या कर रही है, सब पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए जा रही है। तो वो जितने भी पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको हम वेवलेट्स बोलेंगे। यहाँ पे ये जो पिंक डॉट्स देख रहे हो आप, उसको हम वेवलेट्स बोलते हैं। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनती है, तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगी, जब आपका सोर्स लीनियर होगा। ट्यूबलाइट को हम क्या कंसिडर करेंगे, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे ही आप ट्यूबलाइट को ऑन करोगे
तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ से एमिट होगी, यहाँ से फर्स्ट रे ऑफ लाइट एमिट हुई, सेकंड कुछ रे ऑफ लाइट क्या हुई, एमिट होना स्टार्ट हुई, और वो सब के सब रे ऑफ लाइट सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट रेड लाइन देख रहे हो, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम ले लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब रे ऑफ लाइट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया सोर्स से। तो यहां से कुछ रे ऑफ लाइट निकलने लगे, अगर ये रे ऑफ लाइट एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाई है, तो ये रे ऑफ लाइट भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, हर रे ऑफ लाइट कितने क्रस्ट, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाते हुए यहाँ पे पहुंच गए कुछ टाइम के बाद। तो ये सब पार्टिकल्स का फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये सब पॉइंट्स को, ये पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और ये पांचवा पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स ले लिए, और ये पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। जब ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिए, एक लाइन बना दिए या एक शीट रख दिए, तो ये जो आपका हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ये जो रे ऑफ लाइट देख रहे हो आप, रेड कलर की रे ऑफ लाइट, ये इससे होते हुए गुजर जाएगी, इससे पास हो रही है, राइट। तो ये ब्लू शीट जो देख रहे हो आप, और ये जो रे ऑफ लाइट देख रहे हो, रेड लाइन देख रहे हो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक पेपर में से ये लाइन आर पार हो गई, तो वो जो प्लेन बना है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। अब उसके बाद एक क्रस्ट और एक ट्रफ में ये फर्स्ट वेव फ्रंट तक पहुंची, फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट तक भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो ये वेव भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये वेव भी एक क्रस्ट, तो अब सब कुछ अमाउंट ऑफ सेम टाइम में फिर से सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जाएंगे, और यहां तक पहुंचने कंसिडर कर लेते हैं हम, उनको 2 सेकंड लगा है। 2 सेकंड में ये ट्यूबलाइट से लाइट एमिट होके यहां तक पहुंची, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर की है, बाकी रे ऑफ लाइट भी उतना ही डिस्टेंस कवर की है। तो अब ये जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे, या यहाँ पे एक शीट लगा दोगे, और वो शीट से होते हुए रे ऑफ लाइट फिर आगे चले जाएगी, और ये शीट जो ब्लू शीट है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट, और ये एक स्ट्रेट बनी है, प्लेन बनी है, सीधी बनी है, यही से हम इसको प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से सब रे सेम टाइम सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, तो फिर से एक वेव फ्रंट आप बना सकते हो। ये टाइम T1 पे वेव फ्रंट था, उसके बाद टाइम T2 पे ये वेव फ्रंट बनेगा, उसके बाद टाइम T3 पे वेव फ्रंट बनेगा, और फिर रे ऑफ लाइट रुकती नहीं है, ये लाइट क्या होते जाएगी, आगे ट्रेवल करते हुए जाएगी। फिर अगर आपको टाइम T4 पे बनाना है, तो आप ये सब पॉइंट्स को क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो लाइन बनेगी विच इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है रे ऑफ लाइट से, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। तो ये वेव फ्रंट है अलग अलग टाइम पे, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, और अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो ये T4 टाइम पे हो जाएगा, ये T4 टाइम पे यहाँ पे वेव फ्रंट बनने वाली है। फिर ये लाइट और आगे ट्रेवल करेगी, तो आप T5 पे भी एक वेव फ्रंट बना सकते हो। ये सब पॉइंट्स को क्या करोगे, कनेक्ट कर के, ये T5 टाइम पे क्या हुआ, एक और वेव फ्रंट बन गया, तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब लीनियर रहती है सोर्स, लीनियर मतलब ट्यूबलाइट को हम ले बोल सकते हैं लीनियर सोर्स है। तो यहाँ पे जो आप पिंक डॉट्स देख रहे हो, ये डॉट्स कहाँ पे है, ये ब्लू शीट पे है, तो इसको हम वेवलेट्स बोलेंगे। ये जो ब्लू एनवेलप बनाए है, जो लाइन बना है, एक एरिया ले लिए है, इसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, और ये जो रेड लाइंस दिख रहे थे, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है। तो हम ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बना सकते हैं। अब ह्यूगेंस प्रिंसिपल क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं कि ईच पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन व्हिच ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अभी हम देखें कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है। एक ट्यूबलाइट ले लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, कुछ रे ऑफ लाइट डिस्टेंस कवर करेगी, 1 सेकंड में चारों रेज सेम डिस्टेंस कवर करने वाली है, और हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, ए बी, और ये ए बी क्या है, तुम्हारा वेव फ्रंट है।
दिस ब्लू लाइन इज योर वेव फ्रंट, दिस रेड लाइन इज योर रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोला है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, जो भी पॉइंट लेना है, एक सिंगल पॉइंट ले लेना है आपको, तो ये आप अगर वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है ये कैसे एक्ट करने वाले हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये लाइट एमिट करने वाले हैं, एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट है वेव फ्रंट पे, ये जो लाइन ए बी दिख रहे हो आप, ये वेव फ्रंट है, इस पे हर पॉइंट क्या करने वाला है, ऐसा एक्ट करने वाला है सेकेंडरी सोर्स के जैसा, और वो लाइट वेव हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या करेगा, लाइट वेव हर डायरेक्शन में एमिट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक पॉइंट है, और पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे एमिट होती है, जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो सर्कल स्प्रेड होता है ना, वैसे यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसको हम वेवलेट बोलेंगे, और ये वेवलेट कैसा बिहेव करने वाला है, सेकेंडरी सोर्स के जैसा। तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, लाइट एमिट करना चालू करेगा अपनी हर डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ तो ये भी क्या करेगा, लाइट एमिट करना स्टार्ट करेगा हर डायरेक्शन में। ये एक पॉइंट ले लिए, ये भी क्या करेगा, लाइट एमिट करना स्टार्ट करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट स्टार्ट्स एमिटिंग द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। क्या किए थे हम, फोर पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट ले लिए वेव फ्रंट पे तो ये वेवलेट हो गया, ये दूसरा पॉइंट ले लिए तो ये भी वेवलेट, ये तीसरा पॉइंट तो ये भी वेवलेट, ये चौथा पॉइंट तो ये भी वेवलेट, और ये सब वेवलेट एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे, और ये लाइट हर डायरेक्शन में एमिट करने वाले हैं। ये हर डायरेक्शन में क्या हुई है, लाइट एमिट हुई है, ये हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स लाइट एमिट कर रहे हैं, और ये हम क्या बना दिए, ये जो आप पिंक सर्कल देख रहे हो ये वेव फ्रंट है। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द इनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज Thus, the envelope of the secondary wavelets in forward direction. तो अब क्या करने वाले हैं हम, ये जो न्यू वेव फ्रंट बने हैं, ये जो पिंक सर्कल देख रहे हो ये न्यू वेव फ्रंट बने, ये टाइम टी वन में यहाँ तक वेव फ्रंट पहुंचा है, रे ऑफ लाइट पहुंची है, तो आप क्या किए, एक लाइन बना दिए, ए बी इज योर वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट आप कंसिडर किए, यहाँ पे हम चार पॉइंट कंसिडर कर लिए, तो ये चारों पॉइंट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करने लगे और लाइट एमिट करने लगे, ये अपनी हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करने लगे, यहाँ से लाइट स्प्रेड हो रही है, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो जैसे वाटर वेव्स स्प्रेड होती है, वैसे ये पॉइंट्स क्या करने लगे, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करने लगे, ये सर्कल क्या होते गए, बढ़ते गया। अब आपको क्या बनाना है, न्यू वेव फ्रंट बनाना है, तो न्यू वेव फ्रंट जब आप बनाओगे तो ये सर्कल्स का इनवेलप बनाओगे, इनवेलप बनाने का मतलब है ये एक लाइन ए डैश बी डैश इनवेलप है, तो ये पीछे की डायरेक्शन में ये लाइन भी क्या है, एक इनवेलप है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए डैश बी डैश ये लाइन भी क्या है, इनवेलप है। तो ये जो इनवेलप बनाए है ये आपका न्यू वेव फ्रंट बना है, क्योंकि न्यू वेव फ्रंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो इफेक्टिव नहीं होता। The wavelets traveling in the backward direction are ineffective. तो backward direction वाला envelope हम consider नहीं करेंगे, हम forward direction वाला envelope consider करेंगे। तो यहाँ पे जो a dash b dash है वो आपका new wave front है। तो this is the construction of plane wave front. Plane wave front क्या बनता है? अब इसके बाद अगर आपको new wave front बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ए डैश बी डैश ये जो अभी वेव फ्रंट बना है इस पे एक पॉइंट लूंगा, दो पॉइंट लिए, तीन पॉइंट लिए, चार पॉइंट लिए, ऐसे आप कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो, और ये सब पॉइंट्स कैसा बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के जैसे, ये क्या करेंगे, अपनी हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करते जाएंगे, ये क्या करेगा, अपनी हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करते जाएगा, ये क्या करेगा, अपनी हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करते जाएगा, ये पॉइंट भी क्या करेगा, अपनी हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करते जाएगा, और ये सब सर्कल्स का आप एक इनवेलप बना दोगे,
तो ये आपका न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट देख लेते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। तो एक पॉइंट सोर्स एस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बल्ब ले लिए, वो बल्ब को ऑन किए, तो ये अपनी हर डायरेक्शन में क्या करने वाला है, रे ऑफ लाइट एमिट करने वाला, वो ये डायरेक्शन में भी हर चारों तरफ यहाँ से क्या होने वाली है, रे ऑफ लाइट एमिट होने वाली है। तो हम क्या किए, सिर्फ ये पांच वे रे ऑफ लाइट कंसिडर करेंगे, ये हम फर्स्ट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 सेकंड में, सेकंड रे ऑफ लाइट भी उतना ही डिस्टेंस कवर करने वाली है 5 सेकंड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सेम टाइम में ये पांचों रेड लाइन सेम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब यहां से एक रे अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाई है, तो ये सेकंड रे भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, थर्ड रे भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, फोर्थ रे भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, और फिफ्थ रे भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाए हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये सब सेम फेज में है, तो हमको क्या करना है, इसका इनवेलप बनाना है। तो ये सब पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। जब ये सब पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो एक सर्कुलर शेप मिलेगा, एक कर्व मिलने वाला है। तो ये सब पॉइंट्स को हम मिला दिए तो ये क्या हो गया, तुम्हारा वेव फ्रंट हो गया। अब ये वेव फ्रंट पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर ये पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और इट विल स्टार्ट एमिटिंग द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये पॉइंट एक ले लिए, ये भी कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ये अपनी हर डायरेक्शन में क्या करने वाला है, लाइट एमिट करने वाला है। ये पॉइंट भी अपनी हर डायरेक्शन में, ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स भी क्या करेंगे, लाइट अपनी हर डायरेक्शन में एमिट करेंगे। अब आपको न्यू वेव फ्रंट बनाना है, तो ये सब सर्कल के क्या करेंगे, आप इनवेलप बना दोगे, और जो इनवेलप बनेगा आपका उसको आप क्या बोलोगे, न्यू वेव फ्रंट। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये वेव एमिट किए पांचों पॉइंट, जो सर्कल्स बने हैं ये न्यू वेव फ्रंट बने हैं। ये न्यू वेव फ्रंट का क्या करोगे, आप इनवेलप बना दोगे। तो इनवेलप बना दोगे तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला इनवेलप रहेगा वो आप कंसिडर करोगे, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में द वेवलेट्स ट्रेवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज इनइफेक्टिव। पीछे की डायरेक्शन में नहीं बनाना है, आगे की डायरेक्शन में जो इनवेलप बना है वो कंसिडर करोगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इनवेलप, ये पीछे वाला जो इनवेलप है ये नहीं कंसिडर करोगे। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये आपका न्यू वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट।